सलमान फायरिंग केस में बड़ा खुलासा। सूरत से बंदूक और कारतूस बरामद। 10 राउंड फायरिंग का था प्लान। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 14 अप्रैल को हुई गोलीबारी केस की पुलिस हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। जांच के दौरान इस मामले की नई नई कड़ियां खुलती जा रही हैं। इस बीच इस केस में नया अपडेट सामने आया है। फायरिंग में इस्तेमाल बंदूक और कुछ जिंदा कारतूस को मुंबई पुलिस ने सूरत की तापी नदी से बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों विकी गुप्ता और सागरपाल ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया था कि जब वो सूरत पहुंचने के बाद ट्रेन से भुज की ओर भाग रहे थे, तब उन्होंने हथियार को रेलवे पुल से तापी नदी में फेंक दिया था, जिसकी तलाश मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम कई दिनों से कर रही थी और अब आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल ही गई। आरोपियों से पूछताछ में ये भी पता चला है कि फायरिंग करने से पहले दोनों आरोपियों ने हथियार चलाने की प्रैक्टिस भी की थी। इसके बाद ही उन्होंने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक सलमान खान के घर पर 10 राउंड गोली चलाने का शूटरों को आदेश दिया गया था, मगर उन्होंने 4 गोलियां चलाई और तेजी से मौके से भाग गए। दोनों शूटर एक नहीं बल्कि 2 बंदूक लेकर सलमान खान के घर के बाहर पहुंचे थे। एक बंदूक सागरपाल के पास थी जबकि दूसरी विकी गुप्ता के पास। जानकारी के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले में कुछ और धाराएं जोड़ सकती है। अब तक इस केस में 10 से ज्यादा लोग के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और अभी और बयान लिए जाने बाकी हैं। गौरतलब है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के दोनों आरोपियों को गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों की पहचान विकी गुप्ता और सागर पाल के रूप में हुई थी।